Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic, which is nuclear overhauser effect. And this is the topic from NMR spectroscopy. So NOE या फिर nuclear overhauser effect क्या होता है कि this is the technique by which the intensity of NMR signal can be enhanced significantly by saturation of some of the nearby nuclei within the molecule. It is called nuclear overhauser effect. मतलब अगर हम किसी एक न्यूक्लियाई को सैचुरेट कर दें, मतलब उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करें, तो उसके अराउंड या फिर उसके नियर बाय कोई दूसरा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, अगर उसके सिग्नल की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट. फॉर दिस इफेक्ट द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड्स बिटवीन द टू कंसर्न प्रोटॉन्स हैव नो सिग्निफिकेंस. न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट में जो जितने भी इंटरवेनिंग बॉन्ड्स हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता. तो हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं जिसमें दो प्रोटॉन्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं. ये वाला हमने मॉलिक्यूल कंसिडर किया. इसमें एच ए और एच बी का के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है. तो इफ़ वी डबल इरेडिएट एच बी, यानी कि हम एच बी के ऊपर दो बार रेडियो फ्रिक्वेंसी को रेडिएट करवाएं, तो जो एच बी प्रोटॉन है ये प्रोटॉन स्टिम्युलेट होगा और ये स्पेस के थ्रू एच ए को स्टिम्युलेट करेगा, जिसकी वजह से एच ए की जो सिग्नल इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. ये जो एच बी है ये एच ए को स्टिम्युलेशन प्रोवाइड करेगा थ्रू स्पेस. सो we say that if the intensity of absorption of HA signal is increased by double irradiating HB, then the proton A and B will be in close proximity in a molecule. अब हम इससे क्या conclusion निकाल सकते हैं कि अगर HB की वजह से HB को जब हम double irradiate कर रहे हैं उसकी वजह से अगर HA की signal की intensity increase हो रही है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों close proximity में हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच का distance बहुत कम है. The nuclear overhauser effect is of great value in studying the molecular geometry. It tells whether two protons are in close proximity within the molecule or not. मतलब हम बता सकते हैं अगर कहीं भी nuclear overhauser effect हो रहा है कहीं भी दो nuclei के बीच में, तो इसका मतलब वो दोनों close proximity में हैं, उन दोनों के बीच का distance बहुत ही कम है. An important consequence of this effect is that the line intensities observed in the normal spectrum may not be the same as in the decoupled spectrum. मतलब जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम अगर हम स्टडी करें जिसमें हम इरेडिएट डबल इरेडिएशन नहीं करवा रहे, सिंपली हमने एक बार एच ए और एच बी को रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की, इनका रेजोनेंस करवाया, तो उस नॉर्मल स्पेक्ट्रम में जो इन दोनों की इंटेंसिटी आएगी वो बहुत ही डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट इंटेंसिटी जो हम देखेंगे उस स्पेक्ट्रम में जब हम इनको डीकपल करवा देंगे, इनमें से किसी एक न्यूक्लियाई को जब हम डीकपल करवा देंगे. तो व्हेन वी ऑब्टेन अ प्रोटॉन डीकपल्ड C13 स्पेक्ट्रम द इंटेंसिटीज ऑफ मेनी ऑफ द कार्बन रेजोनेंसेस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अबाउट दोज ऑब्जर्वड इन प्रोटॉन कपल्ड एक्सपेरिमेंट. अगर हम सिंपली एक प्रोटॉन कपल्ड एक्सपेरिमेंट को स्टडी करें, उसमें जो कार्बन 13 स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही अलग होगी एक प्रोटॉन डीकपल्ड 13 कार्बन स्पेक्ट्रम से, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट वर्क करेगा. इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम हाइड्रोजन को डबल इरेडिएट करवा रहे हैं, उसके ऊपर हम दो बार रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जो कार्बन उसके साथ अटैच्ड होगा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, उसके सिग्नल की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. तो ये जब हम एक प्रोटॉन डीकपल्ड C13 स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत अलग होगी एक प्रोटॉन कपल्ड एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में. तो जो कार्बन एटम्स होते हैं विद हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड आर एनहेंस्ड द मोस्ट. मतलब वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है हाइड्रोजन, वो वाला कार्बन, उस वाले कार्बन की इंटेंसिटी या फिर उस वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट का. एंड द एनहेंसमेंट इंक्रीजेस एज मोर हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड. अगर ये कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को डबल इरेडिएट करवा रहे हैं तो इस वाले कार्बन की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. अब अगर इस कार्बन के साथ जितने ज्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, यहाँ पर अगर इसके साथ तीन हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं या फिर अगर चार हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, तो
इसकी इंटेंसिटी जो होगी सिग्नल की वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी अगर हम इन सब को डबल इरेडिएट करवाएं, इन सब हाइड्रोजन्स को अगर हम डबल इरेडिएट करवाएं तो इस कार्बन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन अगर हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को इरेडिएट करवाएं। तो वो एटम्स जो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेंगे। अगर जैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन को अगर हम डबल इरेडिएट करवा रहे हैं तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है वो इसके ऊपर डालेगा। सो द डिग्री ऑफ इंक्रीज इन द सिग्नल इज कॉल्ड द न्यूक्लियर ओवरहोजर एनहेंसमेंट। जो इंक्रीज हो रही है हमारी, जिस डिग्री से इंक्रीज हो रहा है सिग्नल, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ओवरहोजर एनहेंसमेंट। तो जो NOE इफेक्ट है वो हेट्रोन्यूक्लियर हुआ इस केस में, जब कार्बन और हाइड्रोजन का केस देख रहे हैं तो इस केस में जो हमारा न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट है वो हेट्रोन्यूक्लियर है, मतलब हम हाइड्रोजन को डबल इरेडिएट करवा रहे हैं और कार्बन के स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, तो अलग अलग एटम्स पे अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो ये हेट्रोन्यूक्लियर होगा। द न्यूक्लियर ओवरहोजर इफेक्ट इज जनरल शोइंग अप व्हेन वन ऑफ द टू डिफरेंट एटम्स इरेडिएट। ये वही है कि हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा कि जिस एटम को इरेडिएट करवा रहे हैं और जिसका हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमने इसको हेट्रोन्यूक्लियर NOE बोला है। तो इन द केस ऑफ C13 इंटरैक्टिंग विद 1H द इफेक्ट इज पॉजिटिव, इरेडिएटिंग द हाइड्रोजन इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ द कार्बन। मतलब कि ये जो हम 13 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच NOE पढ़ रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव आता है, तो मतलब NOE हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सिग्नल डिक्रीज भी हो जाएगा, लेकिन जब हम कार्बन 13 और हाइड्रोजन का केस पढ़ते हैं यहाँ पर उस कार्बन के सिग्नल की इंटेंसिटी इंक्रीज ही होगी, इसलिए हमने इसको बोला है कि NOE यहाँ पर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो मैक्सिमम एनहेंसमेंट होगा वो हम इस रिलेशनशिप से दे सकते हैं, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है कि कितना मैक्सिमम एनहेंसमेंट हो सकता है सिग्नल में, कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा सिग्नल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू गामा ऑफ द न्यूक्लियस बींग इरेडिएटेड एंड गामा ऑफ द ऑब्जर्व न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा गामा है ये क्या है, मैग्नेटोगायरिक रेशियो। मैग्नेटोगायरिक रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है उस न्यूक्लियस का जिसको हम इरेडिएट करवा रहे हैं, मतलब कि हमारा हाइड्रोजन को हम इरेडिएट करवा रहे हैं C13 और हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है और उसका एंगुलर मोमेंट है उनका रेशियो होगा हमारा गामा इरेडिएटेड, और जो गामा ऑब्जर्व्ड है ये होगा C13 का। ठीक है, तो गामा हो गया हमारा मैग्नेटोगायरिक रेशियो, हाफ इंटू गामा ऑफ इरेडिएटेड न्यूक्लियस टू गामा ऑफ ऑब्जर्व न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि कितना हमारा सिग्नल इंक्रीज होगा, किस एक्सटेंड तक इंक्रीज होगा। तो जो हेट्रोन्यूक्लियर NOE इफेक्ट है ऑपरेट्स इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन को ही डबल इरेडिएट करवाना है, हम कार्बन को भी इरेडिएट करवा सकते हैं और फिर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो 13 कार्बन है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब नेचर में भी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका इफेक्ट हाइड्रोजन के ऊपर कुछ ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन को इरेडिएट करवाते हैं और कार्बन का स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं। सो इन अ प्रोटॉन डीकपल्ड C13 स्पेक्ट्रा द टोटल NOE फॉर अ गिवन कार्बन इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ नियर बाय हाइड्रोजन इंक्रीजेज। वही जो हमने पहले पढ़ा था कि जितने ज़्यादा नियर बाय हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे, जैसे यहाँ पर CH3 है, उतना ही ज़्यादा हमारा NOE इफेक्ट ऑब्जर्व होगा वहाँ पर, उतना ही ज़्यादा सिग्नल की इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो जब हम इनके इंटेंसिटी का ऑर्डर देखेंगे तो ये आएगा, मतलब कि CH3 यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज करवाएंगे, फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा NOE इफेक्ट हमें CH3 में ऑब्जर्व हुआ। Although the hydrogens producing the NOE effect influence carbon atoms more distant than the ones to which they are attached, their effectiveness drops off rapidly with distance. मतलब जैसे जैसे distance increase होता जाएगा वैसे वैसे जो NOE effect है वो hydrogen का carbon के ऊपर उसका influence कम होता जाएगा। जैसे हम इस hydrogen को double irradiate करवा रहे हैं तो इसका effect सबसे ज़्यादा इस वाले carbon के ऊपर होगा, फिर उससे कम इस कार्बन के ऊपर होगा, और इस कार्बन पे हो सकता है कि इसका इफेक्ट हो ही ना,
तो जो डायरेक्टली अटैच होगा इस हाइड्रोजन से, उसके ऊपर इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम इसका डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, हाइड्रोजन से जितना जितना दूर होता जाएगा कार्बन, उतना ही इसका इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। द इंटरेक्शन ऑफ द स्पिन स्पिन डाइपोल्स ऑपरेट्स थ्रू स्पेस नॉट थ्रू बॉन्ड्स। तो जो हमारा स्पिन स्पिन डाइपोल्स है, मतलब कि ये जो हमारा एनओ इफेक्ट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? जो हमारे स्पिन दोनों न्यूक्लियस के हैं उनका इंटरेक्शन होगा थ्रू स्पेस एंड नॉट थ्रू बॉन्ड्स। मतलब जो हमारा स्पिन स्पिन डाइपोल्स का इंटरेक्शन हो रहा है वो स्पेस के थ्रू हो रहा है, बॉन्ड्स के थ्रू नहीं हो रहा। तो इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है एज अ फंक्शन ऑफ द इनवर्स ऑफ आर क्यूब। मतलब ये जो हमारा एनओ है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड डिक्रीज है वो फंक्शन है इनवर्स ऑफ आर क्यूब का, मतलब 1/r³। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एनओ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा एनओ का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा। दस न्यूक्लियाई मस्ट बी रेदर क्लोज टूगेदर इन द मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू एग्जिबिट द एनओ इफेक्ट। द इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट फॉर हाइड्रोजन्स दैट आर डायरेक्टली अटैच टू कार्बन। तो जो हमारा बहुत ही क्लोज होने चाहिए वो दो न्यूक्लियाई जिनके बीच में हम एनओ का इफेक्ट देख रहे हैं, जिसको इरेडिएट करवा रहे हैं और जिसके स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए एनओ इफेक्ट शो करने के लिए। और जो हाइड्रोजन का इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा उसके डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के ऊपर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you for watching the video. I hope you have liked the video, and if you have any query, then you can comment down in the comment box, and do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.